नमस्कार, खबर से डॉट कॉम से राजेश शाह। सूरत के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज सूरत से दीव के लिए क्रूज रवाना हो रही है और क्रूज के जो ऑनर है मिस्टर संजीव कुमार अग्रवाल, वो आज हमारे साथ है तो उनके साथ ही बात करेंगे। मिस्टर संजीव जी, ये जो क्रूज है तो लोगों को ये जानना है कि ये क्रूज यानी शुरू किस कैसे हुआ और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। नमस्कार, इसकी शुरुआत हमने नहीं, हमारे जो पंत प्रधान माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब और मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई, ये सरकार का अथक प्रयास है जो कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित भारत रहना, उससे इसकी शुरुआत और दिशा में एक छोटा सा कदम है जो हम कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, गुजरात के लोगों को ये जानना है कि क्रूज में शराब मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। ये इस विषय पे ये इंटरनेशनल जो नियम के अनुसार होगा वो सारे काम किए जाएंगे, नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन सर, गुजरात में प्रतिबंध है और दीव में तो मिलता है, तो अगर वो क्रूजने जाएगा तो वो पहले ये जानेगा कि उसको शराब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो नियम है उसके हिसाब से सर, नियम के विरुद्ध हम कभी नहीं जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी बताया कि कोरोना के हिसाब से ये 300 की कैपेसिटी है, लेकिन अगर कोरोना नहीं होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 300। कोरोना के हिसाब से इसकी कैपेसिटी 300 है, करोड़ों के हिसाब से कम की गई है। अच्छा, कोरोना नहीं होगा तो 300। आपको ये जानना है कि ये जो आपका क्रूज है उसकी विड्थ और उसकी लंबाई पूरा कितनी है? उसकी 68 मीटर लंबाई है, 15 मीटर चौड़ा है। सर, इंजन कितने हैं उसमें? दो। उसको और आगे बढ़ा और इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लेना चालू किया। दुनिया आज इंडियन लोग यहां से यूरोप जाते हैं, क्रूज सफारी करते हैं, यहां से सिंगापुर जाते हैं, यहां से बैंकॉक जाते हैं और क्रूज में सफर करते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या क्या किस ना कर सके नॉट ओनली फॉर इंडिया बट दुनिया के टूरिस्ट को हम एट्रैक्ट ना कर सके, इसके लिए मोदी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए। आज हम देश में 6 इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना रहे हैं। जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है ऐसा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनना आज के दिन में चालू है। आपने देखा होगा एक महीने पहले कोचीन में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल प्रधानमंत्री जी ने ओपन किया और जनता को समर्पित किया। वैसा ही गोवा में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाना चालू, तो वेस्ट कोस्ट में 3 और ईस्ट कोस्ट में 3। ईस्ट कोस्ट में विशाखापट्टनम, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कलकत्ता, ये 3 लोकेशन पर हम इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाने के लिए प्लानिंग किया। कुल मिला के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पोस्ट में 6 इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनेंगे। कई जगह पे हम देश में क्या वाटर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए रोरो, रोपेक्स, फेरी, क्रूज चालू नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे डिस्टेंस भी कम होता है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को भी हमने प्रायोरिटी देना शुरू किया।